देश की हाई सिक्योरिटी जेलों में शुमार दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद हरियाणा की जेलों के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला। सर, क्या कुछ निर्देश जो हैं वो हरियाणा की जेलों में जो है वो पारित किए गए? तिहाड़ बहुत बड़ी जेल है देश की, सबसे ज़्यादा जेल का नाम है, तो जब वहाँ कोई इस तरीके की घटना हो तो स्वाभाविक है कि हमें एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है। हमारे DGP कल भी 3 जेलें विजिट करके आए हैं। हमारे दिल्ली में, हमारे में बहुत फ़र्क है। दिल्ली में हर तरीके के हार्ड क्रिमिनल्स हैं, हमारे जेलों में ऐसा आज तक नहीं हुआ। नंबर दो, वो जाके देखते हैं हमारे जो गैंगस्टर हैं आपस में जिनका झगड़ा है, उन्हें हमें एक दूसरी जेल में कर देते हैं। अगर वो एक ही जेल में है तो उन्हें अलग अलग ब्लॉक में कर देते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है हम जुडिशरी की भी मदद ले लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं हर जगह, आज तक किसी घटना नहीं। कई जेलों में ऐसे हो जाता है जैसे मीडिया अखबार में आता है कि सुरंग करके बाहर भाग गए कैदी, दीवारों से ऊपर से क्रॉस करके चले गए, या बाहर इनकाउंटर में कैदियों को पुलिस से इनकाउंटर करके कैदियों को छुड़ा के ले गए। हमारे आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और फिर भी हम इसमें और एक्स्ट्रा एहतियात बरत रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएँ ना हों। और हरियाणा में इस तरीके की कहीं बात भी नहीं होगी। हमारे अभी एक तिहाड़ जेल बन रही है ना, एक रोहतक में नई जेल बन रही है जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक मॉडल होगा, जिसमें सबसे आप ये समझे उसमें हाई सिक्योरिटी जेल होगी। 50 तो जैमर लगे होंगे और उसमें जितने हार्ड क्रिमिनल है उसमें हम रखेंगे। उसमें CRPF का अलग पैरा होगा, हरियाणा पुलिस का, मतलब 3-tier सिक्योरिटी रखेंगे ताकि कोई भी उसमें एक पार्टी होकर चलेगी तो दोबारा नहीं आएगी। इसका मतलब क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी ना बने। तो हरियाणा जेलों में बहुत आगे है। अभी पीछे जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, तो ऐसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है जो हमारे अभी होके गई थी, जिसमें सुशील मोदी उसके चेयरमैन थे, कांग्रेस के मेंबर थी, 12 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी। वो तिहाड़ भी गए, तेलंगाना गए, देसी सभी जेलों में विजिट करके आए। तो हमारे बौंडसी जेल में गए थे, वो देखते हैं कि कैदी कैसे आता है, उसे रखा कैसे जाता है, खाना कैसे है, उसके बाद उसको पैरोल पे कैसे छुट्टी में, घर वालों से टेलीफोन मुलाकात कैसी होती है, कुछ उसमें तो नहीं करा जाता, पैरोल आने के बाद उसे लटकाया तो नहीं जाता, ये सब चीज़ें वो स्टडी करते हैं। सब जाके बैरिक्स में मिलते भी हैं। जब उन्होंने सारा कर लिया तो हमारे DGP और सुपरिटेंडेंट जेल स्टेशन सभी थे, रजिस्टर रख दिया कि इस पे आप अपने कमेंट लिखें। तो जाते कमेंट लिखते हैं, जो उन्होंने लिखा वो एक मॉडल है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है, बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी, ये हमारा ऑन रिकॉर्ड है। तो हमारी जेलों का कोई मुआवजा नहीं। देखिए, जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड के लोगों ने करा, वहाँ से स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया की जेल वर्ल्ड में सबसे बड़ी है और हम भी चाह रहे हैं कि हमारी जेल एक मॉडल बने। रोहतक की जेल जो मैं बता रहा हूँ वो एक मॉडल होगी पूरे देश के लिए। सर, जिस तरीके से आपने भोंडसी जेल का जिक्र किया, भोंडसी जेल के अंदर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे भी वहीं पे हैं, और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का जिस हत्या को जिसने अंजाम दिया उसके जितेंद्र गोगी के गुर्गे जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से जो है वो उनको जो है वो नज़रबंद किया जा रहा है? देखिए, हमारे सुपरिटेंडेंट और DGP के नोटिस में सब चीज़ें हैं, जब जहाँ ज़रूरत होती है वो तुरंत एक्शन लेते हैं, कहीं इस तरीके की बात नहीं है, बहुत हर तरीके से अलर्ट है। सर, जिस तरीके से आपने भी वीडियो देखा होगा टिल्लू ताजपुरिया का, जिस हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसके बाद से ये खबरें निकल कर आ रही है कि हरियाणा के अंदर की जेलों के अंदर जो है वो कटलरी यानी कि चम्मच को जो है वो बैन किया गया है ताकि उसको हथियार के तौर पर जो है वो इस्तेमाल ना किया जा सके। देखिए, ये DGP का मामला है, वो लोकल देखे, जैसे स्टूडेंट को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हो जाते हैं। हमें हमारे DGP पे भरोसा होता है, मिस्टर मोहम्मद आकिल बहुत बढ़िया DGP हैं, बिल्कुल हर तरीके से उन्हें पूरी छूट है, बहुत बढ़िया मैनेज कर रहे हैं। मतलब कटलरी के तौर पर चम्मचों को जो है वो बैन किया गया? अब किया होगा, मैंने नहीं ये चेक करा, पर वो अंदर के फैसले होते रहते हैं, इन बातों को ज़्यादा हमारे नोटिस में लाने की भी नहीं होती, DGP अपने लेवल पे फैसले कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने बताया कि हरियाणा की जेलों में भी लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें हाई अलर्ट पर जो है वो रखा गया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।